नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मुकमलाकांत। प्रथमे हेडलाइंस। संभाव्य बात्या कुने बढ़िला भय, आज लघुचाप रूप नेब घूर्णिबलय। 18 जिलापालक एसआरसी बात्या समीक्षा, फोकस रे 24 घंटिया कंट्रोल रूम और बात्या आश्रयस्थली। देशरे हीट वेव एवं मौसुमीर आगमन को नहीं प्रधानमंत्री बैठक, ग्रीष्म प्रवाह एवं मौसुमी पूर्वर प्रस्तुतिर कले समीक्षा। राज्य एवं केन्द्र एजेन्सी मध्य समन्वय उपरे गुरुत्व। आज जैन आंतर्जातिक वाणिज्य संगठन जेआईटी कनेक्ट 2022 उद्घाटनी अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पारस्परिक जोगाजोग एवं व्यक्तिगत आलोचना माध्यम व्यवसाय एवं शिल्प को साहाय्य करने को प्रयास। समाज को बताएनि से चेताए, बिना शब्द रे पिलांको ठू बुढ़ा बुझिपारुथुबा एक माध्यम। दुर्नीति को समालोचना कले आउ सामाजिक चालीचलन भी सुधार आणे। कार्टूनिस्ट मानक मध्यरु पाला खेमुंजीर मुर्मुरु शेखर अन्यतम। एवं पॉलीथिन आउ प्लास्टिक रु तयारी होछि पेट्रोल, जटणीर युवक अजय बेहरांको कमाल। यूट्यूब रु देखि सिखिले, दुई वर्षर परिश्रम परे निजे प्रस्तुत कले पेट्रोल। एवं संपूर्ण खबर। संभाव्य बात्या आसानी को नहीं बढ़ुछि भय, आज लघुचाप्र रूप नेब आंडामान सागर रे स्पष्ट। सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय एहा परे सृष्टि हेबो एवं पूरा चित्र स्पष्ट हो पार जे अंपटे विभिन्न पाणीपाग संस्था पक्षर भिन्न भिन्न आकलन कराकने चिंता बढ़ुच्छे। एपटे बात्या राज्य में प्रस्तुति आरंभ हो जिलापा सजग रही निर्देश देखते एसआरसी। आईएमडी आकलन आज स्पष्ट हो चित्र। दक्षिण आंडामान सृष्टि होता घूर्णिबल लघुचाप रूप नहीं नथिले भी विभिन्न पाणीपाग संस्थार पूर्वानुमान बढ़ाई भय। बात्या आसानी ओडिशा उपकूल दे अतिक्रम कर आकलन कर यूरोपियन मॉडल, सेपरी अमेरिका मॉडल कहि बात्या बांग्लादेश मुहां हो पारे। एहा बाद विंडी स्काईमेट वेब भली संस्था बात्या को नहीं भिन्न भिन्न पूर्वानुमान करिछंती। मात्र भारतीय पाणीपाग विभाग कहि आज संपूर्ण भाव जना पड़ बात्यार स्पष्ट चित्र। एपटे संभाव्य बात्या को नहीं 18 जिलार जिलापालक समीक्षा कर एसआरसी। फोकस रही जिला स्तर में प्रस्तुति। तबे अधिक अपडेट पई आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वा मध्ये जोड़ी सारी। गगन जब देखा जे भिन्न भिन्न मॉडल भिन्न कथा कहते, तबे आईएमडी पक्षर जहाँ पूर्वर भी कहुई आज ही चित्र स्पष्ट हो कौन अधिक अपडेट आसुची। खास करके ओडिशावासी चाहूंटी जे बात्या कम से कम पुणि थे देखापी न मिलू। देखु निश्चित भाव कमलाकांत, जेहेतु लगातार 3 वर्ष धरी आम मे मसरे बात्या को सम्मुखीन करू, तेणु संभाव्य बात्या को कौटना कौटि भारतीय पाणीपाग विभाग एड़ाई ना, तेणु संभाव्य बात्या हेबो गोटे प्रकार आकलन करु। तार प्रकोप किभली रहिबो, केते डेंजरस मोड को सी जाए, डिप्रेशन डीप डिप्रेशन किंवा जो तार तीव्रता जिते रहे तार के रो एपर्त आकलन ही नहीं। निश्चित भाव लघुचापर रूप नेला परे तार मोमेंट जेहेतु वर्तमान नॉर्थ वेस्ट रही, तेणु तार मोमेंट से रही ना चेंजेस होपर कौटना कौटि भारतीय पाणीपाग तीक्ष्ण नजर रखी और लगातार भाव से विश्लेषण कर। गत काली देखिए संध्या बेले मनसून को लेकिन प्रधानमंत्री ऑलरेडी रिव्यू कर, तेणु कौटना कौटि बात्या भारतीय पाणीपाग विभाग पूरा नजर रखी। आज जेहेतु लघुचाप रूप नब बोली पूर्व आकलन कराई, तेज केवे सुधा लघुचाप रूप ने यापर तर मोमेंट के आड़ रोज हूं तो यह चित्र स्पष्ट हो जाए। किंतु वर्षा जहां भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कह 8 तारीख पर्यंत जो बात्या प्रभाव में वर्षा हेब ना ओडिशा रे, वर्तमान जो वर्षा गुड़िक काल विशाखी जनित वर्षा रही आज ओडिशार मैप जी देखिए ओडिशार जो सैटेलाइट चित्र आज ओडिशार काल विशाखी जनित वर्षा हेब बोली गत काली आकाश अनेक जगार मेघ रही, तेणु अपराह्न हुए तो आज भी अनेक जगार काल विशाखी जनित वर्षा हेब।
8 तारीख परे पूरा चित्र स्पष्ट हो लैंडफॉल करिवो कि नहीं कौ जगह लैंडफॉल करिवो तार दिग कुआडे रे ओडिसा आड़ पासिवो कि बांग्लादेश आड़ को मुहेबो ये सब चित्र 8 तारीख स्पष्ट हो आज लघुचाप रूप नेला परे ये केते तीव्रता रहिबो यार एवं कुआडे के दिग परिवर्तन करिवो कि नहीं ये सब चित्र कमलाकांत स्पष्ट हो निहाते बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही आम दिल्ली प्रतिनिधि अधिक अपडेट दे बात्या संपर्क एवं जहाँ वर्तमान वर्षा चली समस्त मन गोटे सन्देह था वर्षा क्योंपाई हो तेज यह कालबैशाखी जनित वर्षा लघुचाप जनित वर्षा वर्तमान सुधा ओडिशा कम से कम होना जहाँ वर्तमान भी जदि राजधानी कथा भी देखा तेज आज सका वर्षा जारी रही किंतु यह लघुचाप जनित नुहे कालबैशाखी जनित वर्षा बोली जहाँ गगन विश्वाल सूचना देते बात्या आसानी को नहीं बढ़ुच्च भय उपकूल जिलागुड़िक प्रस्तुति आरंभ हो संभाव्य बात्या अग्निशम विभाग समस्त कर्मचारियों छुट्टी को बातिल करा बात्या मुकाबला प्रस्तुत रहा निर्देश दिया सहित आवश्यक सरंजाम गुड़ी जांच कर प्रस्तुत रखापी निर्देश दिखाई संभाव्य बात्या परिस्थितर मुकाबला लगी खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्ष समीक्षा कर बात्या परिस्थितर मुकाबला अधिकारी मानंकु विभिन्न जिला को पठा जाइछि पर्याप्त परिमाणर खाद्य सामग्री महजूद रखा जाइछि सेपरी ग्राउंड रे परिस्थिति उपरे नजर रखिबा पई सबु जिलापालंकु निर्देश दिया जाइछि एबे बिलरे पाचिला फसल थिबारु तुरंत एहाकु खेतरु काटी सुरक्षित स्थानकु आनिबा पई आजि थारु जिलाव्यापी डाकबाजी जंत्र जगे प्रचार करा जाउछि को धरणर बात्या हबो केते तीव्र बात्या हबो कोठी लैंडफॉल करिवो केबे लैंडफॉल करिवो ए सबु संपर्क में तथ्य नथिले भी आमे 18 जिला को गत काली ठारु प्रस्तुत रहिया निर्देश देछु मु एही 18 जिलार जिलापाल मानक सहित आलोचना करिछि कौन कौन प्रस्तुतिमूलक पदक्षेप नेबे सतर्कतामूलक पदक्षेप कौन नियाजिबो से संपर्क में मध्य सेमानंकु अवगत करैछि एवं आसंता काले संध्या सुधा तांक पाखरु किछि निर्दिष्ट तथ्य मध्य आमे मागिछु जहाँ बेसिस रे आमे आमर फर्दर प्लानिंग आहुरी स्ट्रेंथन करिवु एनडीआरएफ ओड्राफ एवं स्टेट फायर सर्विस रो वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित मध्य गोटे रिव्यू मीटिंग करिछि एवं सेमानक मध्य सतर्क रहिया पई जे कोनोसी समय रे आमे चाहिबु आमे तांकु मोबिलाइज करिवु सेति पई तांकु प्रस्तुत रहिया पई निर्देश दिया जाइछि आज जैन आंतर्जातीय वाणिज्य संगठन रो जेआईटीओ कनेक्ट 2022 रो उद्घाटन अधिवेशन को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन आंतर्जातीय वाणिज्य संगठन होछि विश्वव्यापी जैन मानकु संजोग करथुबा एक विश्वस्तरीय संगठन पारस्परिक जोगाजोग एवं व्यक्तिगत आलोचना माध्यम रे व्यवसाय एवं शिल्प को सहाय्य करबाकु जेआईटीओ संजोग होछि एक प्रयास जेआईटीओ कनेक्ट 2022 तीन दिनिया कार्यक्रम पुणे रो रे अनुष्ठित हेबो एवं एही कार्यक्रम रे मे 6-8 तारीख पर्यंत आयोजित करा जिवो एवं व्यवसाय एवं अर्थनीति सह जड़ित विभिन्न प्रसंग रे एकाधिक अधिवेशन अंतर्भुक्त रहिबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार एक उच्चस्तरीय बैठक रे देशर ग्रीष्म प्रवाह मुकाबला एवं मौसुमी प्रस्तुतिर स्थिति समीक्षा करछन्ति विगत किछि सप्ताह धरि देशर अनेक स्थानरे तापमात्रा वृद्धि पाउछि उत्तर पश्चिम एवं केन्द्रीय भारतरे हाराहारी सर्वाधिक तापमात्रा 35.9 डिग्री रु 37.7 डिग्री सेल्सियस रे पहुँचिछि देशरे उभय अंचलरे 122 वर्ष मध्यरे उत्तप्त एप्रिल अनुभूत होउछि एहि बैठकरे पाणिपाग विभागर अनेक वरिष्ठ अधिकारी मध्य जोग देथिले देशरे हीट वेव और मौसुमी आगमन को नहीं प्रधानमंत्री बैठक हीट वेव को नहीं प्रस्तुतिर कले समीक्षा बैठक में उपस्थित थे पानीपाग विभाग गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्चस्तरीय बैठक में देशर ग्रीष्म प्रवाह मुकाबला और मौसुमी प्रस्तुतिर स्थिति समीक्षा करिछन्ति विगत किछि सप्ताह धरी देश में अनेक स्थान में तापमात्रा वृद्धि पाउछि उत्तर पश्चिम एवं केन्द्रीय भारत में हाराहारी सर्वाधिक तापमात्रा 35.9 एवं 37.78 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची देशर उभय अंचल 122 वर्ष मध्य उत्तप्त एप्रिल अनुभूत होई बैठक में पानीपाग विभाग अनेक वरिष्ठ अधिकारी जोग देते प्रधानमंत्री मोदी तीन दिनिया यूरोपीय देश गस्तर फेरवा पर बैठक अनुष्ठित होता
ए बैठक में आईएमडी एवं एनडीएम वरिष्ठ पदाधिकारी देश में मार्च मे 2022 मस अनुभूत होता क्रमगत उच्च तापमात्रा संपर्क में विस्तृत भाव सूचना देते राज्य जिला एवं सहरांचल स्तर एक मानक मुकाबला प्रस्तुत योजना भाव ग्रीष्म प्रभाव मुकाबला कार्य योजना प्रस्तुत करने लगी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश मान परामर्श दि जाता अंपक्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुजनित स्वाभाविक परिस्थितर मुकाबला निम्ते राज्य मानक एक बना मुकाबला प्रस्तुति योजना विकसित करने लगी कहला बैठक में प्रधानमंत्री परामर्श दे कहते ग्रीष्म प्रवाह कि अग्निकाण्ड घटना जनित जीवन हानि रोकवा लगी आम समस्त यथासंभव पदक्षेप ग्रहण कर आवश्यकता रही खूब कम समय मधे एपरी घटना मुकाबला उचित से जोर दे कहते तापमात्रा वृद्धि पाया दृष्टि रखी डाक्तखाना मानक अग्नि सुरक्षा अडिट कर आवश्यकता रही प्रधानमंत्री कहते देशर विविध जंगल प्राकृतिक परेश निंदाऊ रक्षा करने मिलित प्रयास जरूरी संभाव्य अग्निकाण्ड को ठीक समय ठाब करने अग्नि निर्वापन करने और अग्निकाण्ड परिस्थिति स्वाभाविक करने तुरंत पदक्षेप ग्रहण करने लगी वन कर्मचारी और संस्थार क्षमता वृद्धि करार आवश्यकता रही प्रधानमंत्री कहते ग्रीष्म प्रवाह परवर्ती मौसुमी को दृष्टि रखी जेकोसी परिस्थितर मुकबिला लगी सब् व्यवस्था को प्रस्तुत रखा निम्ते केन्द्र और राज्य सरकार संस्था मध्य प्रभावी समन्वय स्थापन करने नहीं बैठक में आलोचना होता ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दुईदिनिया पश्चिमबंग गस्तर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2021 विधानसभा निर्वाचन पर शाहर प्रथम बेंगल गस्त गुरुवार प्रथम दिन में उत्तर 24 परगना जिलार सुंदरबन अंचल गृहमंत्री पहुंची हिंगलगंज में बीएसएफ तीनिटी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट बा बीओपी सह एक बोट आंबुलांस उद्घाटन करते यहाद्वारा सुंदरबन निकट में भारत और बांग्लादेश जल सीमार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा सहित से ही अंचल बास कर लोक बोट आंबुलांस सुविधा जोगाई दि जापर अन्य कार्यक्रम मध्य सेठारे मैत्री नाम एक म्यूजियम शिलान्यास करने सहित सीमा प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते केन्द्रमंत्री शाह आहरी सुंदरबन अंचल पैट्रोलिंग करने सुरक्षा निश्चित रखा बेस आह्वानपूर्ण मोदी सरकार बीएसएफ समस्त व्यवस्था जारी रखिंट मुख्यमंत्री ममता बानर्जी परोक्ष टार्गेट करी शाह कहते चोरा चालाण तथा अनुप्रवेश रोकवाई बीएसएफ तार कार्य जारी रखी स्थानीय प्रशासन साहय बिना यह कष्टसाध्य किंतु आशा करा खूब शीघ्र राज्य सरकार समस्त सहयोग जगैदे बीएसएफ या तो किसी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की कार्यक्रम में जाता हूं और जवानों को मिलता हूं तो हमेशा के लिए एक नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस दिल्ली जाता हूं क्योंकि आप लोगों का जज्बा जो कठिन से कठिन परिस्थिति में चाहे राजस्थान और कच्छ का रेगिस्तान हो कच्छ की क्रीक हो या आज मैंने देखा सुंदरवन जहां तीन नदियों का डेल्टा एरिया है वहां मगरमच्छों के बीच घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए 24 घंटे की आपकी निगरानी है। ये जो जज्बा और ये आपका जुनून है वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं वह कहता हूं कि देश के गृहमंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे देश की सुरक्षा। मित्रों आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी हैं और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को क्योंकि सात अर्ध में जो इतनी बड़ी फेंसिंग लगाई है चाहे बंगाल की सीमा हो चाहे पाकिस्तान की चाहे गुजरात की ये फेंसिंग कभी भी देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है। देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। और इसी वीरता और समर्पण के कारण बीएसएफ को आज तक एक महावीर चक्र, चार कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र मिले।
अनेकानेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी करने वालों का मुकाबला करते हुए दिया है और वो समग्र देश और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का कोई भी बल हो इसके लिए हमेशा प्रेरणा का केंद्र रहा है। मित्रों, आज मोदी जी की सरकार का जो मूल लक्ष्य है देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना, आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़े। पॉलीथिन और प्लास्टिक रु तैयारी होछि पेट्रोल, एकथा भाबिबा बेळकु हेतु आपणकु अडुआ लागु थै पारे, किंतु याकु संभव करि देखाइछंती जटणी राधाचरणपुर गाँवर युवक अजय बेहरा। अजय एते पाठ पढ़ी नाहांती किंतु निजस्व ज्ञान कौशल रे पॉलीथिन आउ प्लास्टिक रु पेट्रोल तयारी करुछंती। पॉलीथिन आउ प्लास्टिक रु तयारी होछि पेट्रोल, एकथा भाबिला बेळकु हेतु आपणकु अडुआ लागि थै पारे, किंतु एहाकु संभव करि देखाइछंती जटणी राधाचरणपुर ग्रामर युवक अजय बेहरा। अजय एते पाठ पढ़ी नाहांती किंतु निजस्व ज्ञानकौशल पॉलीथिन और प्लास्टिक रु पेट्रोल तैयारी करिछंती। मो पछपटे भी संपूर्ण दृश्य आपण देखुथिबे जो बॉयल चैंबर रही जो एने तेने आम प्लास्टिक को व्यवहार करी जरी को फिंगी देउचे ताकू से माने संग्रह करी एथुरु पेट्रोल ओ गैस पदार्थ बाहर करिवार दाबी रखिछंती ओ आमे मध्य आपण दृश्य देखुचु जो पाइप जोगे जो पाइप टी जाय क्षेत्र जो निया बाहरुची एटा गैस। मात्र सप्तम श्रेणी जाय पाठ पढ़ितबा अजयंकर निचा थिला ए दुनिया को किछि कोटे करि देखाइबार अछि, बस एतिकि जथेष्ट थिला लक्ष्य स्थल रे पहुंचबा पई। आरंभ हैला उद्यम। दुई वर्ष काल परिश्रम करी निजर ज्ञान कौशल रे तैयारी कले पेट्रोल। मु एमिति भी यूट्यूब यूट्यूब बहुत देखे दिनचोटा देखे देखिथिले दिन छोटा दि बस तौर आरंभ करथली ता सक्सेस हेनथली मुले फाटी जीव छोटा गारे करथली फाटी जीव धुआं बाहरला ता बंग देथली मुले फेक अछि बदे किंतु आम कंपनी की एल्डो जो आसे मुझे जाइली दिन छोटा देखिली सेम आकार दिन छोटा होती भाबी मुझे देखा आउट ट्राएल कर दि अढ़ मस तौर ट्राएल कल छोटा आगे देखी दि घंटा भितर मो लिक्विड आसी जाता 100 ग्राम आसी देखिली मुझे जानी बहुत खुशी लगे दिन छोटा मुझे एक्चुअली कौन लिक्विड यहाँ भी पेट्रोलियम आम जानने किसी जिन एक्चुअली कौन सेटा को मुझे जा जलि पूरा सेम आकार पेट्रोल टाइप दौड़ा यूट्यूब रु शिक्षा पाई और अनेक फैक्ट्री जा प्रणाली शिखापर से आज निर्माण करनेक जिन से उद्भावन कर आखपाख अंचल पॉलीथिन संग्रह करती अजय निजस्व ज्ञानकौशल पेट्रोल बाहर करती परीक्षा करने पेट्रोल रो गुण बहन करुचि कि ना एथिरे निया लगांती आउ तापरे किछि एमिति दृश्य देखिबा को मिले। 3 mm सीट रे मु ताकु दीपुट भाई 3 फुट रे मो ड्रमटा अछि तादरे हेजी तादरे जे कोनसी हमरो जरी पुणा जळी कि बाज्य वस्तु जे कोनसी प्लास्टिक रो आइटम जत्ते भी खति राउ मु ताकु पके कि ऑक्सीजन सील करे सील करा परे 20 अध घंटा 45 मिनट रे मो गैस आसे गैस ता फास्ट जळी जाय घंटे परे मो तेलटा आसे टांकी कि मोर अच्छी 4टा टांगी फास्ट टांगी रे मोटा तेल तेल रही जाए तादे पानी मोर जो जरी जे कोनसी जरी आमे गोटो भी तादे उदांश पानी अंश रही जाए आमे बाछौनु डायरेक्ट गोटे की आणू होरी ताकू डायरेक्ट आनी आमे चांबर रे रखी दऊ से चांबर रे तेल संगे पानी अंश मोर भी पळे जाए गला परे मो से टांकी रे ता सिस्टम रखु जमे मो पानी टा अलग आइ जीव तेल अलग आइ जीव मोर 4टा ड्रम 4टा रु फास्ट मोटा तेल तापरे पतला तेल तापर सेकेंड पतला तापर प्योरीफाई की गैस टा डायटा आसे मोर चूल्ली की सरकार को जनवाक चाहूँ निश्चय आर्थिक प्रोत्साहन मिलने अजय निश्चय आगे जीवे जेहेतु पेट्रोल आगे संकट रेट्रोल दरदाम बढ़ुची एमती सुजोग दे पारे सरकारी प्रोत्साहन मिले अजय आहरी आगू बढ़ी पारंता निश्चय ये जो प्रणाली ये जो कौशल को अवलंबन कर निश्चित आम ए फायदा उठे पार
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାହାରୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୟ ନ ଦେଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଅଥବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି 29 ତାରିଖ ସରିଲା, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା 29 ତାରିଖ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 6 ତାରିଖରୁ। ଆମ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। 7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ 6 ମାସର ପାଠ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ରିକଭର କରି ପଢ଼ିବୁ କେମିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗରମ ଜୋର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଏତେ 6 ଦିନରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଜିନିଷର ପାଠଟାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରିକି ଏତେ ଗରମରେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ। ପଦକ୍ଷେପ ଏସବୁ ନ ନେଲେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଆମେ କହିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା, ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ବି ଥିଲା, ପ୍ରପର୍ ରିଜିନ୍ ଥିଲା, ସବୁ କଲେଜ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ। ଏଇଠୁ ଅଛୁ ଆମେ ବସୁଛୁ। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ବତାଏନି ସମାଜକୁ ଚେତାଏ, ଯାହାର ନାଁ କାର୍ଟୁନ୍। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାରେ କଥା କହେ, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ ଓ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନରେ ବି ସୁଧାର ଆଣେ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍। ଏହି କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଲା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମୁର୍ମୁର ଶେଖର ଆଉ ଜଣେ। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ବତାଏନି ସେ ସମାଜକୁ ଚେତାଏ, ଯାହାର ନାମ କାର୍ଟୁନ୍। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାରେ କଥା କହେ, ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନୀରେ ବି ସୁଧାର ଆଣେ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍। ଏକଦା ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ଏହି କାର୍ଟୁନ୍ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କାର୍ଟୁନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜମାନା ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ୱେବସାଇଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଟୁନ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳାର ପରଦା ପଛରେ ଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଦିନଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଜାତୀୟ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଦିବସ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଡେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଟୁନ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ଆଦୃତ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମୁର୍ମୁର ଶେଖର ଅନ୍ୟତମ। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ମୁର୍ମୁର ଶେଖର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ। 1963 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି କୁମୁଟି ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ 1983 କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଶେଖର। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେହିସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ପଠାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 1985 ଏକ ତେଲୁଗୁ ଦୈନିକରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାର୍ଟୁନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଶେଖର। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କାର୍ଟୁନ୍ ପୁସ୍ତକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଟୁନ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଟୁନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଅନେକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳଠୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ସ ଅଙ୍କାଇବାଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ଟା ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଟୁନ୍ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାମଜୀର ଯେଉଁଟା ଉଷୋଦୟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି କାର୍ଟୁନ୍ଟା ସବୁ ବିବିଧ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଅଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ ଇଏ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଫେସବୁକ୍, ତା ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, କରୋନା,
ए करोना समय रे मु बहुत गुडे 200 खंडे कार्टन करजे जेटा हमरो देश देश बाहर भी बेसी एग्जिबिशन रे प्रदर्शन करिया को उपलब्ध करथला मु बहुत खुशी होइतले। शेखर जने सरकारी कर्मचारी दीर्घ दिन धरी से पूर्त विभाग ठिकारे काम करिबा परे गत किछु वर्ष होला स्थायी नियुक्ति पाइछंती। से निजर चाकरी जीवन सह कार्टून तयारी को मध्य समान गुरुत्व देउछंती जाफल रे सबुठि से समस्तक बेस प्रिय। तांको एभली निसा को नै तांको सहधर्मिणी एम महालक्ष्मी बेस आनंद प्रकाश करिबा सह एभली कलाकार को विवाह करि से निजकु गर्व अनुभव करथुबा कहिछंती। केवल तांको स्त्री नहुंती तांको सांग साथी माने मध्य बेस खुशी प्रकाश करिबा सह शेखर तांको बंधु गोष्ठी पै गर्व बोली कहिछंती। तांकर जने अंतरंग बंधु बी श्रीकांत घर सीमा समय रे से पेंसिल की पेन की धरि की रहसंती आंकी थंती कार्टून कार्टून कला परे मते आगे देखंती आउ एटा भल अच्छे बोले बहुत खुशी हमारी हाँ बहुत खुशी लगे मुझे आज गर्वित लास्ट 40 इयर्स है से कर्टन्स लिखाटा तार विभिन्न सब पेपर्स रे मीडिया रे से वर्ल्ड वाइज से कर्टन्स भी जाए बहुत सर्टिफिकेशन वेटिफिकेशन भी मिली। एक्चुअली कर्टन्स कौन बोले पब्लिक को जेकोसी मेसेज से आम कनवे करूँ से रिच कर प्रपर वे से ये बढ़िया कर्टनिस्ट कह कता ना तक आम गवर्नमेंट साइड रो भी आउरी टिके रिकग्नाइजेसन से सब मिली आउ टिके एनकरेजिंग रोइबो आउ टिके से आगे को जाई परियो से मु बहुत हैप्पी आम गजपति बिल्ला वाले करे मु प्राउड रे करबी से एत्ते दूर जाई से एबे इंटरनेशनल तार पेपर्स भी तार सर्टिफिकेशंस भी तक अच्छी तक समाज संस्कार पई कार्टून नो महत्व जथेष्ट रहिछि तथापि ओडिसा रे कार्टून नो चाहिदा एते नाही तेणु यहाँ किभली आगे नहीं हम से दिगरे सरकार प्रयास देवार आवश्यकता रही। गजपति जिलार कैमरामैन हेमंत प्रधान जितेन्द्र बारिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रथम खबर समय सर अधिक अपडेट देखु अर्गस न्यूज नमस्कार।